नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। लेटर क्या होता है, लेटर कितने होते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने भवेल और कितने कंसोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेटर, लेटर माने क्या होता है जी? अक्षर होता है। इसका डेफिनेशन होगा हिंदी में, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी में वर्ड लिखते हैं। लेटर क्या है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी में शब्द लिखते हैं। ठीक है दोस्त, अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन होगा, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। हम इन्हें दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। ठीक है दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। हम इसे दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर, जिसमें 21 कंसोनेंट होता है और 5 भवेल होता है। भवेल ए आई और यू को भवेल कहते हैं। भवेल जो होता है ए आई ओ और यू को भवेल कहते हैं। ठीक है जी, रह गई बात कंसोनेंट की, तो ए आई और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कंसोनेंट कहते हैं। यानी ए आई और यू के अलावा बाकी जो लेटर होगा वह क्या हो जाएगा? कंसोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सेमी भवेल यानी सेमी भवेल वो कौन सा लेटर होता है जी? तो सेमी भवेल डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी भवेल कहते हैं। डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी भवेल कहते हैं। जब ये शब्द के अंत में शुरू जब ये शब्द शुरू के अंत में रहते हैं तो कंसोनेंट कहा जाता है, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो भवेल कहा जाता है। ठीक है दोस्त, यानी डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी भवेल कहते हैं। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तो कंसोनेंट कहते हैं, और जब ये शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो भवेल कहते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।